दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड बाय हमदर्द रेड ब्रश एंड खालिस स्पाइसेस। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअला रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब नस्बत बुरुद आलम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और मुफ्ती मोहम्मद तौहीद आसमी साहब। आप दोनों प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं किसी न किसी अहम मौजू पर हम मौलाना साहिबान से रहनुमाई लेते हैं, फिर उसके बाद आपके सवालात को भी शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि बाकायदे के साथ हम अपने मौजू पर आएँ या प्रोग्राम का आगाज़ तो खैर हो चुका, आपसे हज़ब रिवायत इल्तजा, जब आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाए टी वी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा, मुकम्मल बात फ़ोन के ज़रिए कीजिए। जब बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद टीवी का वॉल्यूम जो है आप खोल सकते हैं और फ़ोन को डिसकनेक्ट कर दीजिए ताकि आप आसानी से टीवी में अपने सवाल का जवाब सुन सकें। नाज़रीन, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आप जानते हैं रमज़ान का महीना जारी और सारी है। इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमगुसारी का और तमाम तर लोगों के जो है गम दूर करने का और उनके लिए फलाह और बहबूद के काम करने का महीना भी करार दिया, क्यों जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। जी मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम हजरात, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक को शहरुल मुवासात फरमाया है। हमदर्दी गमखारी का महीना है। ये हमदर्दी गमखारी का महीना हमें कई तरह से इस बात का सबक देता है। एक तो जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं कि भूख प्यास का जायका क्या होता है, प्यास को कैसी होती है, भूख कैसी होती है। जब भूख लगे और खाने के लिए ना मिले तो जिस्म में जो कमज़ोरी आती है उसका क्या मज़ा होता है, उसके क्या दुश्वारियाँ होती हैं, कामों में क्या रुकावटें होती हैं, किस तरह से आदमी झुंझलाने लगता है। चाय का आदि हो और चाय ना मिले तो कितना झुंझलाहट होती है, पान खाने का आदि हो और पान नहीं मिल रहा है तो मिजाज में तैश आ जाता है। इन चीज़ों से हमारी तरह हम तो अपने इख्तियार से अल्लाह के हुक्म के खातिर इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के कितने बंदे ऐसे हैं जिनको वाकईतन खाने को मिलता ही नहीं। हालात की मजबूरी है, तंग दस्ती है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, पैसा वक्त पे नहीं मिला, ठेकेदार ने कह दिया कल लेना पैसे आज नहीं है, वो बेचारा इसी इंतज़ार में था कि शाम को पैसे मिलेंगे तो हंडिया बनेगी, खाना बनेगा, खाऊँगा, मेरे बच्चे खाएँगे। अब शाम को वो पहुँचा है तो घर वाले इंतज़ार में हैं, उसके पास पैसा ही नहीं है। इस तंग दस्ती से जो गुज़रते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हमदर्दी का महीना है, हम तुम्हें हमदर्दी का सबक अंदर से सिखा रहे हैं। तुम्हारी भूख के ज़रिए, तुम्हारी प्यास के ज़रिए, तुम्हारे घर वालों की तंदरुस्ती के ज़रिए तुम्हें ये सबक दे रहे हैं। इसी तरीके से हमें जब बच्चों का रोज़े रखवाने का हुक्म दिया गया है उसमें भी हमें महसूस होता है कि हमारे बच्चे ने आज जो पहला रोज़ा रखा है और वह 15 साल का है और उसकी भूख और प्यास से जो हम अपनी भूख से ज़्यादा परेशान उसकी भूख से हो रहे हैं। हमारे जितने कितने भाई हैं जो जिनके बच्चे इसी तरीके से भूख से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये हमदर्दी करने का ज़माना है कि इसमें हम हमदर्दी का सबक अपने अंदर से सीखते हैं, अपने ऊपर तारी करते हैं उन हालात को जो बहुत सारे लोगों के ऊपर गुजर रहे होते हैं। इसलिए इस महीने में, और यही वजह है कि सारी दुनिया के अहले इस्लाम ज़कात के लिए भी, हालांकि रमज़ान मुबारक से ज़कात का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी जी, जी। जैसे हज का एक ख़ास ज़माने के साथ ताल्लुक़ है, उसी वक्त हज होगा। रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों का रमज़ान ही से ताल्लुक़ है, इसी में रखे जाते हैं वो, लेकिन ज़कात का ताल्लुक़ इससे नहीं है। लेकिन चूँकि शहरुल मुवासात है, हमदर्दी गमखारी का महीना है, इसलिए सारी दुनिया के मुसलमान एहतमाम करते हैं कि रमज़ान ही में ज़कात निकालें। तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा इस बात का सबक सीखना है कि हमें इंसानियत के साथ, अहले इस्लाम के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, बरादरान वतन के साथ हमदर्दी करना ज़रूरी है। जी, उसके साथ जैसा ही मौलाना साहब ने कहा कि हमदर्दी करना ज़रूरी है, उन लोगों का एहसास करना ज़रूरी है। यूँ तो खैर ये ख़ास तौर से जो हमारे पड़ोसी हैं या जो और लोग हैं जहाँ हमारे ट्रेनिंग का पीरियड है, ये हमने बात की थी इसके बारे में, तो इस चीज़ की भी बात हमारी समझ आती है कि
जो लोग उन पर जब भूखे हैं तो क्या गुजर रही है, उनके बच्चों पर क्या गुजर रही है। जब इस चीज़ का एहसास हमें ख़ुद को होगा तो इंसानियत कहीं ना कहीं अंदर से जागेगी। वाकई एक ये भी एक ट्रेनिंग की बात है। अब उन लोगों के लिए जो लोग इस महीने के अंदर खा लिया, इतना पहुंच गए शहरी के अंदर, दोपहर को 2 बजे सो के उठे, तो उनको क्या एहसास हुआ इस बात का? देखिए, इतना ज़्यादा सोना जिससे इबादत का मौका ना मिले या नमाज़ें तर्क हो जाएं, ये तो रोज़े के अंदर मुनासिब नहीं है और ना रोज़े का ये मकसद है। जैसा कि बारहा ये बात आ चुकी है कि रोज़े में भूख लगना, प्यास का लगना एक फितरी बात है, और आदमी कितना भी खा ले पूरे दिन का तो खा नहीं सकता, तो पूरा दिन सो करके गुजार दें तो ये भी एक तरह से मुनासिब नहीं है। बाज़ उलमा ने इसको मकरूह लिखा है कि पूरा दिन बस सोता ही रहे, क्योंकि रोज़ा सिर्फ ये ही नहीं है कि हम मतलब रमज़ान का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि रोज़ा रख रहे, रोज़े के अलावा कुरान करीम से इसकी ख़ास मुनासबत से मुनासबत है, तो इसमें कुरान करीम की तिलावत, जिक्र व अज़कार, और जब हम दिन में बेदार रहेंगे तभी तो हमें इन तमाम चीज़ों का एहसास होगा। और अगर हम गफलत से बिस्तर में पड़े रहें, सोते रहें, रात भर जाग करके दिन भर सोते रहें, तो वो तो हमारे सिर्फ रूटीन बदल गई, रोज़े का जो मकसद था वो हासिल ना हो सका। इसलिए ये तरीक़ा, अगरचे रोज़ा तो हो जाएगा, किसी मुफ्ती से फतवा लेंगे तो वो कहेगा कि हाँ बिल्कुल रोज़ा हो गया, रोज़े में कोई कमी नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि तकवा के हिसाब से ये रोज़ा उस नहज पर नहीं पहुंच रहा, उस मंजिल तक नहीं पहुंच रहा, और वो मकसद जो रोज़े का है वो हासिल इसमें हो ही नहीं रहा। अक्सर बहुत जगह हमने देखा कि अपने मामूलात सिर्फ चेंज कर देते हैं, कि जो दिन के मामूलात हैं वो रात में कर देते हैं और दिन पूरा रात की तरह गुजारते हैं, पूरा सोने में गुजार के, बाद जगह तो हुकूमतें पूरा इस तरह का निज़ाम कर लेती हैं। तो इन चीज़ों से ठीक है, वो उनका अपना एक वो है ताकि रमज़ान सुकून से गुजर सके और दिन में काम ना करना पड़े, लेकिन दिन में भी पूरे दिन सोना मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल एक रोज़े के मुनाफी बात है। जी मौल साहब, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत को हमने देखा, जब भी कभी वक्त पड़ा तो ये खैर के कामों में अल्लाह का बड़ा एहसान है सबसे आगे रही, इसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। लेकिन इन दिनों में जो खैर के काम करेगा और वाकई अल्लाह के लिए, एक तो रियाकारी और अल्लाह के लिए काम करना, इन दो चीज़ों में कितना फ़र्क है? ये बहुत बड़ा अहम मौजू है कि हम कभी कभी खूब खर्च करते हैं, लाखों रुपए लुटा रहे हैं, लेकिन परवरदिगार के यहाँ के रिकॉर्ड में देखेंगे तो वहाँ एक पैसा भी नहीं लिखा हुआ है। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत में एक आदमी लाया जाएगा जिसने बहुत कुछ राह खुदा में लुटाया होगा, खूब खाने खिलाए होंगे, खूब कंबल बांटे होंगे सर्दी में, खूब लिहाफ दिए होंगे, खूब खाने बांटे होंगे, देगें बनवाई होंगी। जब अल्लाह ताला पूछेगा हमने तुम्हें दौलत दी थी दुनिया में, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया, तो वो कहेगा कि मैंने खूब गरीबों को खाना खिलाया, खूब कंबल बांटे सर्दी में, खूब लिहाफ दिए, खूब ज़रूरतें पूरी की, मस्जिदें बनवाई और इबादत खाने बनवाए, सराय और मुसाफिर खाने बनवाए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये सब तो तूने अपने दिखाने के लिए, अपने नामवरी के लिए किया था ताकि दुनिया में तुम्हें बहुत दयालु और बहुत खर्च करने वाला बताया जाए, और वो दुनिया में कहा जा चुका, अब हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो राह खुदा में खर्च कर रहे हैं वाकईतन राह खुदा में कर रहे हैं, या ये कि 50 कंबल बांटे हैं और कैमरे वाला उससे पहले बुला लिया है जो वो कैमरा लेकर फ़ोटो ले रहा है, और उसमें आप भी बैठे हुए हैं कुर्सी के ऊपर नवाब साहब बने हुए, और अखबार में फ़ोटो छप रहा है कि फ़लाँ साहब ने इतने कंबल बांटे। ये तो आप अखबार में देने के लिए कर रहे हैं, कल को आपको इलेक्शन का इरादा है तो उससे तुम्हें फ़ायदा उठाना है, इसमें अल्लाह के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ इबादत वो मकबूल है जो सिर्फ़ उसे राज़ी करने के लिए की जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारे इस तरह के सवालात किए गए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ वो मकबूल है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए किया जाए, बाकी नामवरी के लिए, शोहरत के लिए, नाम नमूद के लिए, अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए जो कुछ किया जाएगा वो अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत उसकी नहीं है। जी, सो मौका मिलेगा तो और मज़ीद बात करें। दो कॉलर शामिल कर लेते हैं, कमर आलम साहब हैं और अयूब खान साहब हमारे साथ हैं। कमर आलम साहब फरमाइए, क्या जानना चाहते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं मौला साहब? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दोनों आदमी बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्लाह शुक्र है दोनों आदमी एक साथ हैं। मेरा सवाल था उनकी साहब से, जैसे हम लोग के यहाँ तरावी होती है तो तरावी के लिए जो हाफिज आते हैं या कारी आते हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं, जैसे कपड़े वपड़े का, कुछ नजराना देने का,
तो कुछ लोग इस पर तनकीद करते हैं कि इन्हें नजराना नहीं देना चाहिए क्योंकि कुरान शरीफ का जो है ये बिजनेस हो जाएगा, ये ऐसे इस तरह से। तो इसके मसले में थोड़ी सी वजाहत कर दें कि क्या किया जाए। और तरावी जो है वो अगर किसी मस्जिद में 25 दिन होती है या 15 दिन होती है तो ये क्या दुरुस्त है? दुआ में आपको आखिर में दुआ होगी, आप भी शामिल हो जाएगा। अय्यूब खान साहब, आप भी फरमाइए क्या जानना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे तीन सवाल थे जी। एक सवाल क्या है तो ये किस किस चीज से इंसान का रोजा मकरूह होता? ठीक है। और दूसरा क्या है तो ये छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के रोजे रहते हैं ना, फिर उनका माँ बाप किसका एहतियात करना चाहिए? ठीक है। तीसरा? तीसरा ये अपन फितरा देते ना, किसको देना जायज है फितरा? फितरा जी मुफ्ती साहब, रोज़ा मकरू किन किन चीज़ों से होता है? देखिए, याद रखिए, जानबूझ करके धुआं वगैरह लेना या इसी तरीके से रोज़े की हालत में कोई चीज़ मुंह के अंदर ले करके उससे खेलना, या इसी तरीके से रोज़े की हालत में जानबूझ कर गर्द गुबार या इस तरह की चीज़ों में जाना के उससे वो हो, या जानबूझ कर कोई ऐसा काम करना जो गुनाह सगीरा के दर्जे में क्यों ना आता हो, बहरहाल इस तरह के गुनाह करना ये भी रोज़े को कराहत से, रोज़े के अंदर कराहत से खाली नहीं होता। इसी तरीके से रोज़े के अंदर जो है बिला वजह पूरा दिन सोते रहना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी ये बात आई थी, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगरबत्ती वगैरह है उसका धुआँ लेना या इसी तरीके से और कुछ इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करना, इन चीज़ों से रोज़ा मकरूह हो जाता है। जी मौल साहब, वो क्या छोटे बच्चे 4-5 साल की इज्जत कर लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, उनको किस तरह से तरकीब दें माँ बाप? क्या उनको प्यार से समझा के ऐसा कहा जाए जो से वो एक नज़्म बहुत बचपन में हमने सुनी थी, एक रोज़ा अब तुम्हारा हो गया, दूसरा अब शाम तक हो जाएगा। इस तरह से उनको बहला के कि सुबह तुमने सहरी खाई थी हमारे साथ, वह दोपहर तक तुम्हारा एक रोज़ा हो गया, अब दूसरा रोज़ा अब से लेके हमारे साथ इफ्तार कर लेना, इस तरह से बहला के रखा जाए। लेकिन उनको रोज़ा वो ज़िद करें और आप उनके साथ देते रहें तो उसका नतीजा होगा उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। अब ये कुदरत ने उनके अंदर वो तहम्मुल वो बर्दाश्त पैदा नहीं की है, इसलिए किसी तरह से भी प्यार से नरमी से बहला फसला के उनको इस चीज़ से रोका जाए, पूरे रोज़े न रखवाए जाएँ। इतने छोटे बच्चों को आधे पर रोक दिया जाए, कुछ खिला दिया, फिर उनसे कह दिया ठीक है अब शाम तक तुम्हारा रोज़ा हो जाएगा, उनको बहला फसला कर। ये शौक़ अच्छा है लेकिन ये शौक़ की तकमील ख़तरनाक है। जी फितरा मुफ्ती साहब किसे देना चाहिए? देखिए, फितरा भी उसे ही देने दिया जाएगा जिसको ज़कात दी जाएगी, यानी वो शख्स जो खुद साहिब निसाब ना हो, वाकई ज़रूरतमंद हो, मोहताज हो, तो उसी को ज़कात दी जाएगी, वो उसी को फितरा दिया जाएगा। मौल साहब, वो कह रहे थे कि तरावी जो पढ़ाने के लिए आते हैं उनको हम कपड़े वगैरह कुछ नजराना इस तरह से कर देते हैं, लोग उस पर तनकीद करते हैं कि ये मना है इसके। ये चंद रोज़ पहले भी ये सवाल आया था, जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि जो हजरात इमामत करते हैं उनको भी कुछ ना कुछ हम पेश करते हैं, जो मौज़िन हैं उनको भी कुछ ना कुछ पेश किया जाता है, और उसकी तावील ये की जाती है कि किसी इबादत पर कोई उजरत नहीं ली जाती, लेकिन उसका टाइम जो घिरा हुआ है उस टाइम के लिए उसे कुछ ना कुछ पेश करना ज़रूरी है। ये बात उस वक्त भी कही जा सकती है। एक जवाज़ उसके अंदर ये हो सकता है कि दबाव डालकर किसी से पैसा वसूल करना, चंदा वसूल करना, आरिफ साहब 2000 आप दीजिए, फरान साहब 5000 आप दीजिए, इमाम साहब को हाफिज़ साहब को नजराना पेश करना है, इस तरह दबाव डाल के किसी से चंदा किया जाए वो तो मुनासिब नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस की किताबों में मिश्कात वगैरह में भी यह हदीस नकल की गई है, ला यहिल्लु मालु इमरिन मुस्लिमिन इल्ला बतीब नफ्सिन मिन्हु, किसी मुसलमान का माल बगैर उसकी दिली खुशी के हलाल नहीं होता। तो दबाव डाल के कहीं से हम चंदा करें ये करें ये तो ठीक नहीं है, लेकिन कोई आदमी अगर खुशी से कपड़े दे रहा है हाफिज़ साहब को, इमाम साहब को, या किसी को, या कोई और चीज़ तोहफा दे रहा है, या नकद पैसे दे रहा है, तो उसमें कोई वजह नहीं है कि उनको इनकार करें। उत्साह कह रहे थे 15 दिन की तरावी जो होती है 10 दिन की जायज़ है क्या? देखिए, तरावी 15 दिन की नहीं होती, ये मैं कल भी अर्ज़ किया था कि तरावी पूरे 30 दिन की होती है या 29 दिन की। कुरान करीम अलबत्त यह है कि कुरान करीम की तकमील 15 दिन की 20 दिन की होती है, कोई भी मस्जिद हो कहीं भी हो, तरावी पूरे रमज़ान ही चलती है और पूरे रमज़ान ही तरावी पढ़ना है,
قرآن کریم ان لوگوں کے لیے جو تاجر لوگ ہیں یا مسافر یعنی اکثر سفر میں رہتے ہیں, ادھر ادھر ان کا جانا رہتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ 15 دن کی 20 دن کی 10 دن کی ترتیب سے قرآن کریم سن لیں اور اس کے بعد پھر اپنے سفر میں جہاں بھی رہیں وہاں قرآن تراویح پڑھ لیں. تو تراویح تو کہیں بھی 30 دن سے کم نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے, تراویح تو پورے مہینے ہیں, البتہ قرآن کریم کم دن کا, لیکن اس میں بھی اتنا ہو کہ جس میں قرآن کریم صحیح ڈھنگ سے پڑھا بھی جا سکے اور سنا بھی جا سکے. ایسا نہیں ہے کہ جلدی کے چکر میں قرآن کریم ہی صحیح نہ پڑھا جائے تو پھر اس کے سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. دو کال ہمارے ساتھ, عقیلہ صاحبہ اور سلمہ صاحبہ. عقیلہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم عارف بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سلام. وعلیکم السلام. عارف بھائی میرے دو سوال ہیں. جی, پہلا سوال یہ ہے, جیسا مجھے سمجھ آئی تو مجھے ایسا سوچتی ہوں میں ہمیشہ کہ عرب کنٹریز میں ایک دن پہلے روزہ کیوں ہوتا ہے اور ہمارے وہاں ایک دن بعد کیوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کیا بتاتے, یہ 10 دن کا شبینہ ہوتا ہے, جی جی, یہ جو چلتی 10 دن میں تراویح ہوتی ہے ہمارے یہاں قریب کی مسجد میں ہو رہا ہے, جی, یہی بتائیں کہ 10 دن میں کیسا ختم ہوتی ہے. حالانکہ اس کا جواب بھی دیا ہے سامنے, لیکن پھر دوبارہ دیں گے, اس کا دے دیں, بتا دیں گے آپ کو, شاید آپ سن نہیں پائے. سلمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پہلا سوال تو میرا سمجھ لینا عارف بھائی. جی جی ہاں, پہلا دونوں سوال پہنچ گئے آپ کے میرے پاس, انشاءاللہ تعالی ابھی جواب لیں گے. سلمہ صاحبہ کے سوال کو بھی جمع کر لیتے ہیں. سلمہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے, میں 3 مہینے سے حمل ہے میرا, رمضان سے پہلے میرے الٹیاں زیادہ ہو رہے تھے تو میں روزہ رکھی تھی لیکن الٹی نہیں, مجھے چار روزے تو نہیں, میں الٹیاں نہیں ہوئے, مجھے تکلیف تو ہو رہی تھی الٹیاں نہیں ہوئے, روزہ تو چار روزے پورے, آج تو میں روزہ نہیں تھی تو تکلیف بہت ہو رہی تھی, مجھے بہت کر بہت تکلیف ہو رہی تھی, پانی کمی تھی, روزہ نہیں رہی لیکن میں بعد میں رہ سکتی ہوں کیا؟ تراب بھی قرآن سے سب پڑھتی ہوں میں, وہ تو اللہ کا شکر ہے سب پڑھ رہے ہوں, لیکن کمزوری بہت آ رہی ہے, میں آج روزہ نہیں ہوں, کیا ایک دن چھوٹے ایک دن ایسا ہو سکتی ہوں, قضا ہوئی تو بعد میں ہو سکتی ہوں کیا؟ گناہ ہے کیا ایک دن دو دن ایسا چھوڑ کے رہ سکتی ہوں؟ جی مولانا صاحب, حمل سے ہیں وہ اور 3 مہینے کے اور روزہ رکھنے کی کوشش کی. حمل کے زمانے میں ہمیشہ ایک سا حال نہیں رہتا, کبھی روزہ رکھنے میں دشواری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, تو آدمی کا عورت کا خود اپنا تجربہ ہے, یا حکیم ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس وقت میں تمہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو روزہ چھوڑ دیا جائے, بعد میں اس کی قضا رکھ لی جائے, ورنہ شروع دور میں اگر طبیعت بالکل ٹھیک ہے, حمل کا حال اچھا چل رہا ہے, تو اس وقت میں روزہ رکھنے میں اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا جائے. وہی کہہ رہی ہیں کہ 3 مہینے کا میرا تو جو میں نے 4 روزے رکھے طبیعت خراب ہونے لگی, تو اب میں یہ سوچ جس دن میں ایک روزہ چھوڑ دوں, دو روزہ چھوڑ کے جب طبیعت بحال ہو تو اس طرح سے رکھ لیے, جو باقی کے بچے وہ ان کی قضا بعد میں کر لوں. ہاں بعد میں قضا کر لی جائے گی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اور اس طرح سے وہ رکھ سکتی ہیں چھوڑ کے, دو دن چھوڑ کے رکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. جی مفتی صاحب, یہ 10 دن کا شبینہ, دیکھیں 10 دن کا شبینہ کا معاملہ وہی ہے کہ اگر قرآن صحیح پڑھا جائے تو ان لوگوں کے لیے جو سفر میں اکثر رہتے ہیں یا ان کا ایک جگہ ٹک کر کے نماز تراویح پڑھنا ممکن نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ 10 دن میں 15 دن میں قرآن سن لیں اور اس کے بعد اپنے کاروبار کے اندر آنا جانا جو ہے وہ جہاں موقع ملے وہاں تراویح پڑھ لیں, لیکن جو مقیمین ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ 27 دن والا یا 29 دن والا ہی قرآن سنیں, تو وہ ان کے لیے زیادہ افضل ہو جاتا ہے. مولانا صاحب وہ جاننا چاہ رہی ہیں, ایک کنفیوژن ہے ان کے دماغ میں کہ لوگ سوچتے ہیں یہاں پر کہ عرب کے اندر روزہ ایک دن پہلے کیوں ہوتا ہے. دیکھیے یہ تو بالکل صاف سی بات ہے کہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ دنیا گول ہے اور چاند اور سورج جو ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں, تو جو چاند ہمیں آج نظر آیا ہے اور کسی اور کو پہلے نظر آ گیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. عارف صاحب یہاں بیٹھے ہوئے, ان کے پیچھے کی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی, ان کو نظر آ جائے گی, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, اور یہ ایک دن کا اصل میں فرق نہیں ہوتا, وہ فرق یہ ہوتا ہے کہ چاند ان کو نظر آیا اور اس کے بعد پھر غائب ہو گیا, 29 کا چاند یا 30 کا چاند زیادہ دیر نہیں رہتا. جی جی, اب ہمارے نظر آنے کا جب وقت تھا تو اس وقت وہ غائب ہو چکا ہے, تو یوں ایک دن کا فرق ہو جاتا ہے, اور ہمیشہ سے ہوتا ہے اور کبھی کوئی کسی کسی علاقے میں نہیں ہوتا, ساری دنیا میں ہوتا ہے, یہ ایک جغرافیائی حقیقت ہے جس میں کوئی تعامل کرنے کی بات نہیں ہے. جی,
अब इस वक्त में हम बैठे हैं यहाँ सुबह में, तो अमेरिका में रात होगी, अब जाहिर सी बात है वहाँ क्या हो सकता है। तो ये फ़र्क है। अमजद साहब और अय्यूब साहब दो कॉलर हैं, पहले अमजद साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मेरा दो सवाल है जी। अब देखो इधर हमारे इधर कर्नाटक में क्या करते हैं, ये चिकन तोलने वाले या फिर बेचने वाले वो पानी में स्किन में से पानी भर के वो तोलते हैं, और थोड़ा क्या कहते हैं रेट डिफरेंस करके 200 रुपए रहा तो 180-170 रुपए देते हैं, लेकिन उनका टोल कम रहता है, टोल भी कम रहता है। और एक सेब के दुकान में मैं जाके जिनको सेब लिया तो मैं अपने हाथों से उठा के बांध के किया सुबह, लेकिन वो क्या करा तोलिया भी मेरे सामने, तोलने के बाद वो पेपर का ये आता ना पैकिंग आता ना, पैकिंग चेंज कर दिया, पैकिंग भी चेंज करके दे दिया। मैं ले कि जैसे घर में दे जाता हूँ उसके अंदर पूरा थोड़ा डैमेज है, थोड़ा अच्छा है, इस तरह से भी ऐसे भी धोखे करते हैं, कैसा इनका कैसे समझाना है इनको। ठीक, दूसरा सवाल जी यही है मेरा सवाल। ठीक है अय्यूब साहब आप भी फरमाइए क्या सवाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ही एक सवाल है आरिफ भाई जी, फितरा और जकात मुसलमान का काटना हुक्म है जी, और गरीब से गरीब हता क्या उसको भी काटना हुक्म है, जैसे भिखारी है मंगी खाता है उसको भी देना जायज है जकात फितरा। नहीं, मुसलमान या गैर मुस्लिम, मुसलमान की बात करो आरिफ भाई। ठीक है, क्या करता है किसको, जो भिखारी इस तरह से जो मांगते हैं उस सब चीज़ें उनको भी देना चाहिए जो रोज़मर्रा के तमाम बैठे रहते हैं इस तरह की चीज़ें। जी देखिए, जो लोग रोज़ाना मांगने का जिन्होंने पेशा कर लिया है वो उसका हाल आपको हमें मालूम नहीं है, उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए, रोने की शक्ल चेहरे पर बना रखी है, उसको हर आदमी देखने वाला समझेगा बहुत बेचारा मजबूर परेशान है, लेकिन उसके घर का क्या हाल है वो हमें मालूम नहीं है। पिछले दिनों बहुत ये चर्चे में आई थी ये चीज़ें कि बोरियों में नोट थे, 500-500 के अलग बोरियों में थे और 100-100 के अलग बोरियों में थे, तो जो बोरियों में नोट भरे हुए फिर रहा है अंदर रखे हुए हैं ऊपर से देख के आप दे रहे हैं, इसलिए शरीयत ने बड़ी अच्छी तकसीम ये की है कि ज़कात हो या सदका फितर हो या जो चीज़ भी देनी है, गरीब आदमी अपने पड़ोस के हर अपने पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों में आदमी का हाल मालूम होता है जी, कि मेरे फला रिश्तेदार गरीब है, शरीयत ने यही कहा है कि अपने रिश्तेदारों को ज़कात और सदका फितर देना ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से एक शानदार तकसीम अल्लाह ताला ने कर दी है कि आप अपने रिश्तेदारों को दे दें, आप उन्हें जानते हैं, मैं अपने रिश्तेदारों को दे दूँ, मैं उनको बारे में जानता हूँ, तो जिसके बारे में भी आप अच्छी तरह से जानते हैं उनको देने की कोशिश कीजिए, जिसका हाल हमें मालूम नहीं है, हो सकता है कि 1,000 आदमियों से 50-50 हज़ार रुपये मांग चुका हो और वो उसके पास लाखों जमा हो चुके हों, आपको पता ही नहीं है, इसीलिए जिसको आप जानते हैं कि वो गरीब है, ज़रूरतमंद है, परेशान है, आप उसको देने की कोशिश कीजिए, अजनबी गैर मुतालिक आदमी हम नहीं जानते, अच्छा यह है कि उसको ना दें। हाँ, एक जगह किसी जगह मैंने किसी चैनल में स्टोरी भी चलाई थी, बूढ़ी औरत थी वो और उसके पास मालूम पड़ा यही काम था उसका भीख मांगने का, 1.5 करोड़ की मालिक थी वो जी। अक्सर ऐसे ही होता है आरिफ भाई, हमने देखा हमारे इलाकों में बिजनौर में कि एक रात में जो शहरी में उठाने के लिए आता है अक्सर लोग उसको फितरा दे देते हैं। उससे मेरी बैठ करके बात हुई कि भाई आपको लोग फितरा देते हैं, आप फितरे के हकदार हैं, उन्होंने तफसील बताई अपनी, तो वो माशाल्लाह अच्छे खासे मालदार, अल्हम्दुलिल्लाह खैर उन्होंने हमारी बात मानी और उस दिन से उन्होंने लेना छोड़ दिया और उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं फितरा नहीं लूँगा, मुझे अलग से दो जो देना है। तो इस तरह होता है कि लोग किसी को भी दे देते हैं बिला तहकीक के जी। अच्छा, इनका दूसरा सवाल था कम तोलने वाला, और बाज अपने हाथ से भी तोला तब भी उसने डंडी मारी, कुछ ना कुछ कर ही दिया। कुरान करीम में सूरह मुतफ़िफ़ीन में अल्लाह तबारक व तआला ने वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अला अन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नू उलाइका अन्नहुम मबऊसून, पूरी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है, हलाकत ऐसे लोगों के लिए जो नाप तोल में कमी करते हैं, और नाप तोल में कमी करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने और भी आयतों के अंदर जो है बड़ी कबाहत बयान की है, और आजकल ये मिजाज बन चुका है कि नाप तोल में कमी का इतना ज़्यादा मिजाज बन चुका कि लोग लेने वाले भी आदि हो गए और देने वाले भी आदि हो गए, लेने वाले को भी पता है। आजकल आप देखें अगर पत्थर लेने के जाएँ 2 फिट का पत्थर लें तो 2 इंच कम निकलेगा, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और ये सबसे ज़्यादा तबाही लाने वाला है।
قوم شعیب یا کسی قوم پر اللہ تبارک وتعالیٰ نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر اسی ناپ تول کی کمی کی وجہ سے عذاب بھیجا تھا اور اس قوم کو تباہ کیا تھا. تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے, اس کو روکنا چاہیے. ویسے تو یہ ہے کہ بڑے لیول پہ ہو رہا ہے تو حکومتی سطح پر اس پر کنٹرول ہونا چاہیے, لیکن ہم کم سے کم مسلمان اپنے آپ میں کنٹرول کریں کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں. لینے والے بھی کوشش یہ کریں, کوشش کیا انہیں, لینے والوں کو بھی کوشش یہ کریں کہ جہاں صحیح ملتا ہو وہاں سے لیں, اور دینے والا تو بالکل اگر وہ کم ناپ رہا ہے, کم ناپ کے دے رہا ہے یا کم تول کے دے رہا ہے تو اس کا وبال تو اسے بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ تو ہلاکت, جب قرآن کہہ رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے تو اس کی ہلاکت میں تردد کیا ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. علینا صاحبہ فرمائیں, کیا سوال ہے آپ کا؟ علینا صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حسینہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے حسینہ آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عارف بھائی میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار قرض دار ہے, انہیں پیسوں کی ضرورت ہے, کیا انہیں زکات دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا, اور دوسرا سوال ہے کہ جو صدقہ فطر جو عید کے دن عیدین کے دن دیتے ہیں, جی اگر کوئی گھر میں حمل سے ہے, کیا ان کی بھی جو پیٹ میں ہوتا ہے حمل, کیا ان کے نام سے بھی دینا ہے؟ ٹھیک ہے. تیسرا, اور مرحومین جو گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں گھر والوں, ان کے نام سے بھی دے سکتے ہیں صدقہ فطر؟ ٹھیک ہے, میں تینوں سوال آپ کے نوٹ کر لیے. خدیجہ صاحبہ سے مخاطب ہے. خدیجہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے خواب کی تعبیر پوچھنا تھی, خواب کی تعبیر بتا دی جائے گی کیا؟ چلیے ویسے تو خواب کی تعبیر کے لیے معذرت ہے, لیکن آپ بتائیے. ایک بہت چھوٹا ایک بیان کر سکتے ہیں, بہت چھوٹا سا, ٹھیک ہے نا, رمضان سے ان کے متعلق چل رہا ہے. جی فرمائیے. جی میرا مختصر ہی خواب ہے. جی جی خواب میں ایک الو دیکھا جس کے تین منہ ہیں اور وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے, یہ سوال ہے. ٹھیک جی مولانا صاحب. دیکھیے الو کا دیکھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, اور وہ جو کچھ کہنا چاہ رہا ہے ابھی اس نے کہا نہیں ہے, تو اس لیے آپ کے لیے عافیت ہے. اچھا یہ ہے کہ آپ دو دو کر کے چار رکعت نماز پناہ پڑھ لیں, جس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. اس طرح سے چار رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ پروردگار جو میں نے خواب دیکھا ہے اس کے برے اثرات سے میری حفاظت فرما, اور کچھ تھوڑا سا صدقہ نکال دیں, انشاءاللہ اس کا کوئی مضر اثر نہیں ہوگا. مفتی صاحب رشتہ دار قرض دار ہیں, ان کو زکات دی جا سکتی ہے؟ ہاں بالکل, مقروض آدمی اگر اس کے ملکیت میں اتنا مال نہیں ہے اور وہ واقعی مقروض ہے تو پھر اس کو زکات دی جا سکتی ہے. اور رشتہ داروں کو دینے میں ڈبل ثواب ہے, ایک تو رشتہ داری کا اور رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا, اور دوسرا جو ہے اپنی زکات ادا کرنے کا, تو بالکل دی جا سکتی ہے, اچھی بات ہے. میرے خیال سب سے حقداری وہی ہیں, سب سے پہلے حقیق ان کا, بالکل پہلا حق انہیں کا ہے. ایک اور تھا اس میں صدقہ فطر, اگر کوئی حاملہ ہے اس جو حمل میں ہے بچہ. اس میں دیکھیے لوگ, بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بہت کمی کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں. حمل کا یاد رکھیے کہ جو بچہ عید الفطر کی صبح صادق سے ایک منٹ پہلے بھی پیدا ہو گیا تو اس کا تو صدقہ فطر دیا جائے گا. اگر کسی کا ایک منٹ پہلے انتقال ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر ختم ہو جائے گا. تو جب اس کا ختم ہو رہا ہے تو مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر کا کوئی مقصد نہیں ہے. صدقہ فطر زندوں کے لیے ہے اور موجود کے لیے ہے. تو جو بچہ ایک منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا تو ہے, لیکن ابھی حالت حمل میں ہے تو اس کا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادا کرنا چاہے صدقہ, وہ ایک نفلی صدقہ بن جائے گا بچے کے تحفظ کے لیے, تو کر سکتا ہے, اس میں کوئی نہیں. بعض لوگ جانوروں کا بھی فطرہ نکالتے ہیں, بکری کا اور اپنے جو پالتو جانور ہیں ان کا, تو ان کے اوپر بھی کوئی فطرہ نہیں ہے. فطرہ صرف انسانوں کے اوپر ہے, اور ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے, اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے جو زندہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ فطر نکالنا ہے. اچھا ماں صاحب اس کے اوپر مجھے ایک اور یاد, مرحومین کا تو اگلا سال اسی کے اندر آ گیا, تو اس کے نفری صدقہ یہ تمام تر چیزیں دی جا سکتی. لیکن یہ زکوٰۃ کے حوالے سے میرے ذہن میں سوال آیا کہ یہ جانور وغیرہ جو ہیں یہ بھی تمہارے مال کے اندر ہی گنتی ہوگی, تو ان کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی؟ اس میں ذرا سا فرق ہے. جس آدمی کا کاروبار جو ہے جانوروں کے بیچنے خریدنے کا ہے, اچھا, وہ تو اس کا وہ مال تجارت ہے. لیکن ایک آدمی ہے جس نے 10-20 بھینسیں پال رکھی ہیں اور دودھ بیچتا ہے, جی
उसकी हैसियत एक मशीन की है, मशीन के ऊपर ज़कात नहीं है, मशीन की पैदावार पर ज़कात है। तो इसलिए वो जिस इत्तेफाक से चाहे कोई भैंस का ग्राहक आ गया, उसने बेच भी दी, लेकिन उसकी भैंसें बेचने के लिए नहीं हैं, यानी भैंसों का मवेशी का कारोबारी नहीं है, वो दूध वाला है जी। तो उसके ऊपर भैंसों के ऊपर ज़कात नहीं, उसकी आमदनी पर है, जो उसके दूध से आमदनी होगी। अपने यहाँ हिंदुस्तान में आम तौर से जानवर यही हैं जी, आदमी ज़रूरत से अपने घरों में पालता है, डेयरियों में पालता है, खुद इंतज़ाम करता है। लेकिन जहाँ इस तरीके के जानवर हैं, जैसे रेवड़ के रेवड़ होते हैं, फिर वो मामला जानवरों की ज़कात का अलग होता है। वो हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन नहीं पाया जाता, उसके लिए है कि अक्सर साल वो चरागाह में चढ़ते हों, खूंटे पे बांध कर ना खिलाया जाता। अपने यहाँ तो खूंटे पे पूरे साल खिलाया जाता है। तो वही जैसा मौलाना ने कहा कि अगर तिजारत करनी है तो अब तो तिजारत के लिए कोई पाल खरीद रहा है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर वैसे पाल रहा है तो बेच दिया, वो पैसा आया, पैसा वो बाकी रहा तो उस पर ज़कात, वरना तो ज़कात नहीं है। जो आमदनी उससे हो रही उस पर ज़कात हो सकती है, लेकिन इन जानवरों पर जो हमारे यहाँ है ज़कात नहीं है। ज़ेबा साहिबा हमारे साथ हैं, फरमाइए ज़ेबा साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मौलाना जी से मुझे ये सवाल था कि मेरे जो मेरा जो सोना है वो 12 तोले के आसपास कुछ है, और मेरी 3 बच्चियां हैं, तो उनके अब्बा जो है ना वो सऊदी में रहते हैं, तो उनके नाम से कुछ अलग अलग कॉइन है या चेन ऐसे बना के रखे हैं, तो क्या उनका भी ज़कात उनको देना है? ये थोड़ा क्लियर करना था मुझे। ये बच्चियों के लिए ये 12 तोला में से ही है या अलग से है इसके अलावा? अलग से है। अलग से है। बच्चियों की उम्र क्या है? एक 8 साल की, 5 साल की और 1-2 साल की। अच्छा जी, अच्छा, और दूसरा सवाल? कॉइन ऐसा है, बड़ों के ही थोड़ा है। और एक सवाल, मेरे बच्चों के नाम जो है ना वो 2-2 है, एक बाग नमाज में अलग है और पुकार से हम लोग अलग है, क्या इसके बारे में थोड़ा जानना था मुझे। ठीक जी मौलाना साहब। जी देखिए, जहाँ तक ज़कात का मामला है, बच्चों की मिल्कियत जो माल है, अभी आपने कम उम्र बताया 8 साल, 5 साल, 2 साल, तो उनके जो आपने उनको बना के दे रखा है, उनको मालिक बना रखा है, उस पर तो कोई ज़कात नहीं होगी जब तक वो बच्चे बालिग ना हो जाए, उन पर कोई ज़कात नहीं है। अलबत्त आपके पास जो 12 तोला है उस पर ज़कात होगी, उसकी ज़कात आपको अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर चांदी है या और नकदी वगैरह है या कुछ और है तो उस पर भी आपकी ज़कात होगी, लेकिन बच्चियों की मिल्कियत वाले सोने पर ज़कात नहीं होगी। अच्छा मौलाना साहब, ये जो बात कही ना, बच्चों के 2-2 नाम हैं, अब एक नाम जाहिर सी बात है जो होता है वो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है, और दूसरा तो कोई चिंटू, कोई कुछ कोई आला बला के नाम रख देते हैं वो मोहब्बत में। अब 2 नाम रखना, 2 नाम जो है ख़तरनाक चीज़ है। एक तो ये कि शरीयत में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामों की तरीक़ा बताया है उसमें कोई अच्छा नाम तलाश करके रखा जाए। दूसरे कि जब हम 2 नाम रखते हैं तो हर नाम की अपनी एक तासीर होती है, अब उसके ऊपर क्या तासीर होगी, एक नाम की तासीर कुछ और है, दूसरे नाम की तासीर कुछ और है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी बच्चे ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल किसी को दूध दोहने के लिए ऊँटनी का भेज दीजिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कौन दोहेगा दूध, एक साहब उठे, उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, हुजूर ने फरमाया क्या नाम है तुम्हारा, उन्होंने कहा हजन, हजन का मतलब रंजो गम, आपने फरमाया तुम बैठ जाओ, फिर किसी और से कहा, उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा, उन्होंने नाम पूछा, उन्होंने कहा मेरा नाम साहल है यानी आसान, उन्होंने कहा ठीक है तुम करो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नामों को नापसंद किया है, बहुत सारे नाम बदल दिए गए हैं, तो इसलिए 2-2, 3-3 नाम रखना मुनासिब नहीं है। इससे गड़बड़ ये भी होती है कि कहीं तो कुछ लिखा गया, कहीं कुछ लिखा गया, बाद में दुश्वारी पैदा होती है जी। तो नाम एक ही होना चाहिए और वही पुकारना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया वाजी साहब हमारे साथ हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, फरमाइए सर। हाँ, मेरा नाम शेख आरिफ है जी, फरमाइए। तेलंगाना से बात कर रहे हम जी, सवाल बयान कीजिए। हाँ, मुझे जरा ये पैरा की बीमारी है, शफा नहीं हो रही। बीमारी क्या है आपको? मेरी फाटी इतनी थी नहीं, बीमारी क्या है आपको? बीमारी तो कुछ घबरा घबराहट होता है, पाँव पूरे कांपते रहते हैं, ऐसा पूरा जलन होती रहती, पूरा दर्द देते हैं पूरा पारा, ये सीधा पाऊं या डायबो दो भी। ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, कमजोरी से बहुत कमजोरी होगा। ठीक है, नसीम फातिमा को शामिल करेंगे, फरमाइए क्या सवाल है नसीम फातिमा आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी मेरे 3 सवाल थे मुफ्ती साहब से जी।
जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम रोजा रहते हैं तो रोजे में चेहरे पर क्रीम पाउडर लगा सकते हैं क्या, उससे कुछ रोजे पे कुछ असर पड़ सकता है क्या, मखरूर वगैरह होता है क्या, ये जानना था। ठीक, और दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए जय नमाज पे खड़े होते हैं तो जय नमाज पे पैर रख के खड़े होके नमाज पढ़ सकते हैं क्या, जय नमाज के नीचे मतलब जय नमाज पे खड़े होना या नहीं होना, ये भी जानना था। और तीसरा सवाल ये है कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो रकात में सूरत के तौर पर हम ऐतल कुर्सी, ऐतल कुर्सी, जैसे हम सूरह फातिहा के बाद कोई और दूसरा सूरह। ठीक है जी मौलाना साहब, यानी आयतुल कुर्सी को सूरह फातिहा के बाद पढ़ सकते जी, हैं? जी 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 बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वो एक आयत है जी, कोई सी भी आयत पढ़ी जा सकती है। अगर बड़ी आयत है जैसे आयतुल कुर्सी है, ये छोटी सूरतों के बराबर सूरत के बराबर है, तो वो पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा कोई और सूरत पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं जी। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि आयतुल कुर्सी जो है वो कोई अलग से कोई चीज़ आ गई, वो भी कलाम पाक का ही हिस्सा है जी। एक मुफ्ती साहब दूसरा सवाल था इनका, जानमाज पे खड़े होने से क्या मुराद है? जानमाज तो है ही इसलिए कि जानमाज पे खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए, बाज़ मरतबा ऐसा होता है और आजकल अक्सर छोटी जानमाजें बन रही हैं जिन पे सजदा सही नहीं होता, तो बाज़ लोग पीछे होकर खड़े हो जाते हैं। हमें भी बाज़ मरतबा ऐसा मौका आता कि छोटी जानमाजें अगर जानमाज पे खड़े हों तो सजदा बहुत आगे करना पड़ता है, मुकम्मल सजदा नहीं हो पाता, तो वो मजबूरी है, अलग बात है, वरना तो जानमाज तो है ही इसलिए कि जानमाज के ऊपर ही खड़ा हुआ जाए, उसी पर सजदा किया जाए और उसी पर तमाम अमल किया जाए, तो बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शायद कोई इस तरह से मुराद हो इनकी कि अगर जैसे घरों के अंदर एक कोना को इस तरह का बना लिया जाता है जहाँ पर एक चौकी वगैरह को बना दी जाती है, उसमें जानमाज बिछी हो, अब उसके अलावा किसी और काम की वजह से उस पर हम पैर वैर रख के खड़े हो सकते हैं या पैर तो उस पर रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, जानमाज है, उस पर पैर भी रखेंगे, घुटने भी रखेंगे, सजदा करेंगे तो सब कुछ आएगा जी, तो कोई दिक्कत नहीं है पाँव रखने में। वहाँ क्रीम पाउडर से रोज़ा मकरूह होगा? नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो जो जब हम लिपस्टिक लगाएंगे जी उस वक्त इसका अंदेशा होता है कि कुछ हिस्सा उसका मुंह में जा सकता है जी, बाकी क्रीम पाउडर से कोई परेशानी नहीं जी। जी एक और सवाल था इनका, उनका इससे पहले जो कॉलर थे वो कहते हैं कमज़ोरी वगैरह और घर कुछ परेशानी है उनको जी। और देखिए सबसे पहले तो सदका दें अल्लाह की राह में, नमाज की पाबंदी रखें और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी 3 बार पढ़कर अपने ऊपर दम करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला 100 मरतबा यानी 1 तस्बीह सुबह 1 तस्बीह शाम पढ़ लिया करें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। फातिमा साहिबा को शामिल करेंगे, फरमाइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी फरमाइए। जी मेरा नाम अस्मा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अस्मा, फरमाइए जी। मेरा सवाल नमाज के इससे है, रोजाना जो हम ईशा की नमाज पढ़ते हैं उसमें आखिर में 3 रकात वितर नमाज पढ़ते हैं जी, जी। और कभी कभार रोजाना का तो मामूल नहीं है, पर कभी कभार तहज्जुद को जब उठते हैं तो तहज्जुद की नमाज पढ़ लेते हैं, पर अब रमजान में सहरी के वक्त रोजाना उठ रहे हैं तो सहरी से पहले तहज्जुद नमाज पढ़ रहे हैं हम, तो सवाल ये था कि वितर की नमाज हमें ईशा में ही खत्म करनी चाहिए या फिर तहज्जुद की नमाज पढ़कर वितर की नमाज पढ़नी चाहिए? ठीक है, और कोई सवाल? जी और एक सवाल है, मेरी बेटी है 22 साल की है, उसकी शादी के लिए हमने सोना खरीदा है जी, अभी पढ़ रही है वो जी, तो उस सोने के लिए भी ज़कात देनी चाहिए या नहीं? कितना सोना है? जी 10 तोले है। ठीक है, शाहिदा के सवाल को भी जमा कर लेते हैं। शाहिदा साहिबा फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं दुरूद पढ़ती हूँ, फिर ये दुरूद हमारे हुजूर को कैसा पहुँचाना है? दुरूद पढ़ती हूँ जो दुरूद हम पढ़ते हैं, कोई भी दुरूद पढ़ते हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँच जाता है। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم يا اللهم صل على سيدنا محمد يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। जो भी हम दुरूद पढ़ते हैं इसमें अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और रहमत नाजिल फरमा, तो अल्लाह भेज देता है, बस यही पहुँचाने का तरीक़ा है, कोई अलग नहीं है।
मौलाना साहब वो कह रहे हैं कि ईशा की नमाज़ के बाद हम वितर पढ़ते थे आखिर में। आम दिनों का हाल ये था कि आम दिनों में तो यह है कभी आँख खुलेगी या नहीं, या नहीं खुलेगी। अब शहरी के अंदर तो अल्लाह ताला करम उठना ही होता है, तो ज़्यादा तो अच्छा यही है कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर फिर उसके बाद वितर पढ़ा जाए। इसलिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इजालू आखिर सलातकुम बिललैल वितरन, रात में अपनी आखिरी नमाज वितर बनाया करो। जो इस वक्त चूँकि हम उठते ही हैं पाबंदी से तो अच्छा यही है। अलबत्त मर्दों के लिए चूँकि जमात के साथ वो तरावी पढ़ते हैं, वहाँ वितर जमात के साथ होते हैं, वो तो वहीं पढ़ें, लेकिन ख्वातीन घर के अंदर नमाज पढ़ती हैं, वो अपने वितर तहज्जुद के बाद पढ़ें सहरी के वक्त। जी अच्छा, बेटी 22 साल की, उसके लिए 10 तोला सोना खरीदा आप उसका? जी देखिए दो बातें हैं, अगर आपने बेटी को सोने का मालिक भी बना दिया है तब भी उसके ऊपर ज़कात है, चूँकि बालिगा बच्ची है, अगरचे वो कुछ नहीं करती पढ़ रही है लेकिन बहरहाल वो उसकी मालिका है तो उसकी ज़कात उसके ऊपर होगी। और अगर आपने वैसे ही उसको देने के लिए ख़रीदा, मालिक आप ही हैं, तब भी उसके ऊपर ज़कात होगी। तो बहरहाल आपने उसको मालिक बनाया या नहीं ये फ़ैसला आप करेंगे, लेकिन ज़कात हर सूरत में उसकी होगी, आप पर हो या बच्ची पर हो। अच्छा एक जो इसमें मैं देखते हैं, हमने नोट किया हुआ सब, जैसे ज़कात का जो हकदार है सबसे पहले बात भी आई, सबसे पहले हमारे रिश्तेदार उसके हकदार होते हैं जी, जो हमारा सबसे करीबी, और इन रिश्तेदारों से हमारा कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ मनमुटाव भी हो जाता जी। तो हम उसको ना दे करके उससे तो फला टाइम मेरा ये हुआ था, मैं फला को देखा हूँ, उसका पता भी नहीं है मुझे वो हकदार भी है या नहीं है, चाहे वो मुसीबत में भी है। देखिए मनमुटाव को दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि भाई जो कुछ भी मामला है वो अलग है, लेकिन रमज़ान का ज़माना है, हम अपने बच्चों के लिए कुछ तोहफे तहाइफ ईद के लिए उसके लिए लाए हैं, तो हम आपके लिए भी ये चीज़ ले आए हैं, लीजिए और जो कुछ है वो दिल साफ़ कर लें, रमज़ान का ज़माना है, हमें दिलों में मैल कुचैल नहीं रखना चाहिए, कह के मामला भी साफ़ हो जाएगा और आपकी ज़कात भी सही अदा हो जाएगी जी। ये बहुत अच्छा तरीका बताया मुझसे। अच्छा मुझसे एक और बात और भी है, जो हमारे रिश्तेदार है इसका दूसरा पहलू, वो औरों से तो ज़कात लेना पसंद करेंगे लेकिन रिश्तेदारों से वो भी लेना पसंद नहीं करते, अगर रिश्तेदार कोई किया नहीं, इसमें ज़कात कह करके देना ज़रूरी है ही नहीं भाई, हम ज़कात दे रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, या बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं रिश्तेदारों में भी कि जो वैसे ज़कात नहीं लेते, लेकिन हमें उनकी गहराई मालूम है कि बेचारे मुस्तहिक हैं, तो हम उनको किसी भी शक्ल में दे सकते हैं, जैसा अभी मौलाना ने कहा कि अपने बच्चों के लिए तोहफे लाए, उनके बच्चों के लिए तोहफे की शक्ल में दे दें हम, या उन्हें हदिया कह करके दे दें, या कुछ और कह करके दे दें, ईदी कह करके दे दें, तो कुछ भी कह करके हम दे सकते हैं, हमारी नियत ज़कात की है और हम उन्हें कुछ भी नाम ले करके दे दें तो हमारी ज़कात हो जाएगी, ज़कात भी हो जाएगी, मन मुटाव जैसे वाले सामने का वो भी दूर हो जाएगा। दो कॉलर हैं हमारे साथ, शेख जमील और लैलतुल नहार। पहले शेख जमील साहब आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जमील साहब लाइन पर है तो सवाल बयान कीजिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये आपका उम्रा करने में और हज करने में इसमें क्या फजीलत है, थोड़ा बताइए तफसील से। उम्रा और हज, हाँ इसका तफसील बयान कीजिए। ठीक है, दूसरे कॉलर हमारे साथ लैलतुल नहार है, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। मौलाना साहब का अस्सलाम वालेकुम बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब आए हैं, बहुत खुश हुए हैं, कितना दिन के बाद आए हैं, इसे आते रहे। ठीक है इंशाल्लाह, और बताइए सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है, तीन सवाल है जी। एक सवाल, जो कोई दूर में जैसे रोजा नहीं है, शुगर से रोजा उजा नहीं है, तो खाना हम दे दे उनका रोजा हो जाएगा? नहीं आपने, अगर किसी जिसका दूर में कोई फकीर उकीर नहीं है, दूर में रहते वो आते नहीं है, बुलाए से नहीं आते, उनको जो नाम से हम खाना उना दे दे तो उनका रोजा हो जाएगा? अच्छा ठीक है। और एक सवाल है, अरे याद नहीं आ रहा, चलो इतने रहने दो। तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद की नमाज जैसे हम जैसे तहिया से पढ़ते रहते अजान हो गया तो नमाज से दोबारा नमाज पढ़ने पड़ेगा वितर नमाज? ठीक है, तहज्जुद की नमाज में जब वितर नमाज पढ़ते रहते अजान हो गई। ठीक है ठीक है, पहुँच गया आपका सवाल हमारे तक जी।
मुफ्ती साहब रोज़ा उनका खाना दे दे तो उनका रोज़ा हो जाएगा? नहीं देखिए, खाना देने से मकसद क्या है? खाना देने से रोज़े का तो कोई नतीजा नहीं निकला। दूर दराज में कोई ऐसा शख्स है जिसके रोज़े नहीं रख पा रहा है या कुछ कर नहीं रहा, उनका खाना दे दें तो उनका रोज़ा हो जाएगा? नहीं, खाना देने से रोज़ा नहीं होगा। रोज़ा नहीं रख पा रहे मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से, तो उसका फ़िदिया है। और फ़िदिया भी या तो आप उनसे इजाज़त लेंगे या वो आपसे कहेंगे कि मेरा फ़िदिया अदा कर दो, तो वो अदा होगा। आप उन्हें पता ही नहीं और आप अदा कर रहे हैं, तो वो फ़िदिया भी अदा नहीं होगा। ऐसे फ़िदिया भी अदा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? उसने कहा ना, उसकी तरफ से हमने इत्तला दी उसे, हाँ नहीं तो आपकी तरफ से एक सदका हो रहा है। सदका हो रहा है। अच्छा, तहज्जुद के लिहाज से उन्होंने कहा कि अगर हम वितर पढ़ने और अजान हो गई तो क्या उन वितर को हमें लौटाना पड़ेगा? नहीं, अजान कभी कभी थोड़ा सी देर से भी होती है, कभी वक्त से पहले किसी ने दे दी, तो आपने तो वितर की नमाज़ पढ़ी है, वो आपकी हो गई, वक्त पे हो गई। और अगर खुदा ने खास्ता वक्त गुजर चुका था तो कज़ा हो गई, तो नमाज़ तो आपकी हो गई। नहीं, उनकी शायद मुराद ये था ना कि अगर फजर की नमाज, उन्होंने फजर की अजान हो गई, हाँ, और उन्होंने समझा था कि अभी रात है जी, तो रात अगर नहीं थी, रात थी तो वक्त पे नमाज पढ़ ली, लेकिन अगर देर हो गई थी तो कर्ज़ा हो गई उनकी। यानी कि अगर पढ़ते में अजान हो गई तो नमाज अदा हो गई, की जरूरत नहीं है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। एक और कॉलर शामिल कर रहे हैं, कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताइए। हाँ, खम्मम से बात कर रहा हूँ जी। खुशाबानो, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? ये टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो जी, फरमाइए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि वितर की नमाज तरावी के बाद पढ़नी चाहिए या तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़नी चाहिए? वितर की नमाज, ठीक है जी। समीना बेगम, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी फरमाइए। ईशा की नमाज तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़ सकते हैं? ईशा की नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ सकते हैं जी। मुफ्ती साहब, ईशा की नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ सकते हैं? देखिए, पढ़ तो सकते हैं लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर यही है कि अव्वल वक्त में जो है पढ़ा जाए, यानी ईशा के शुरू वक्त में या तिहाई रात तक। तिहाई रात के बाद अगरचे सुबह सादिक तक भी फजर का वक्त रहता है और नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन तिहाई रात के बाद फिर मकरूह लिखा है फुकाहा ने। तो अगरचे नमाज तो हो जाएगी, किसी वजह से नहीं पढ़ सके तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बाकायदा जान बूझ कर मौखर करें कि तहज्जुद के साथ ही पढ़ लेंगे तो ये मुनासिब नहीं है जी। तो सर, ईशा के बाद पढ़ें वितर या तहज्जुद के बाद? देखिए, अभी बात हो चुकी है कि रात में जो हमारी नमाज होती है, सारी नमाज के अखीर में वितर होना चाहिए। अगर हमें, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया गया था कि पाबंदी से उठना होता ही है सहरी के वक्त में, उस वक्त में तहज्जुद पढ़ते हैं, तो अच्छा यह है कि तहज्जुद के बाद ही पढ़ें। और अगर किसी वजह से आम दिनों में हम जैसे तहज्जुद यकीनी नहीं होता, तो उस वक्त में ईशा के बाद तहज्जुद से फारिग हो जाएं, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे तहज्जुद भी पढ़ लें, तो उस वक्त जो है फिर दोहराने की ज़रूरत नहीं वितर को, बस तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली जाए जी। एक कॉल शामिल कर रहे हैं, अस्मा खातून हमारे साथ हैं, फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ इशराक की नमाज 6:05 पे होती है, ठीक, तो उसके दरमियान चाक की नमाज कितने बजे तक पढ़नी चाहिए? 9 पढ़नी चाहिए या 10 या 11? कितने बजे पढ़नी चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि 5,000 पे जकात कितनी निकालनी चाहिए, कितने रुपए निकालने चाहिए 5,000 पे? सिर्फ 5,000 है और कुछ नहीं है इसके अलावा? 5,000 है और कुछ भी है? अभी मेरी मम्मी के पास 5,000 रुपए जमा है। ठीक ठीक, सोना चांदी वगैरह तो नहीं है कुछ उनके सोना पास? सोना चांदी कितनी है आपके पास? जी, सोना की मलकियत मेरी मम्मी नहीं है। ठीक है, मेरे पापा है। ठीक है, हाँ, तो इस पर 5,000 पे तो कोई ज़कात नहीं है फिर। वैसे आप कुछ सदका देना चाहें अलग बात है, सिर्फ 5,000 की आप मालिका हैं तो आपके ऊपर कोई ज़कात नहीं बनती जी। मौलाना साहब, इशराक की नमाज 6 तक हुई तो चाश्त की नमाज कब तक? चाश्त की नमाज जो है हदीस शरीफ में जो आता है उसमें ये आता है कि सलातुल अवाबीन हीना तरमिजुल फिसाल, जब ऊँट के बच्चों के पाँव जलने लगें तो चाश्त का वक्त हो जाता है। वो तकरीबन 9:30 का वक्त होता है, उस वक्त से लेकर और जवाल से पहले तक नमाज पढ़ी जा सकती है चाश्त की जी। फतेह मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं, फरमाइए, क्या सवाल है आपका?
فاتح محمد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت یہ پوچھنا تھا کہ جو جانوروں کا وہ زمین بیچا جاتا ہے, جب یہ نئی اسکیم چلی کچا گوبر میں کھاد بکتی تھی, کنڈے بکتے تھے, وہاں تک تو غنیمت تھی, لیکن یہ کچا گوبر لوگ خریدتے ہیں یا پیشاب خریدتے ہیں, یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جی مفتی صاحب آپ ہی بتائیے اس کے تو. جی دیکھیے, گوبر کا استعمال اصل میں بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے, تو اس لیے اس کا بیچنا جائز ہے. لیکن پیشاب کا استعمال اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ایسی چیز میں ہے کہ جو ویسے استعمال کی چیز ہے, یعنی کھانے پینے میں, دوائیوں میں, اگر ان چیزوں میں استعمال نہیں ہو رہا تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, بہتر نہیں ہے بیچنا. اور اگر ان چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے اس کا بیچنا. جیسا کہ بعض اس طرح کی وہ ہیں پروڈکٹ کے, ان میں باقاعدہ پیشاب ڈالا جاتا ہے, تو ان کو تو بالکل نہ فری میں دیا جائے نہ بیچا جائے. جی سر, ایک سوال رہا میرے پاس ان کا ذہن سے, یہ تھا عمرہ اور حج میں کیا فرق ہے؟ جی مولانا صاحب دیکھیے, ایسا سمجھیے جیسے ہم نفل اور فرض نماز, حج تو فرض ہے جس کے اوپر فرض ہے, اور جس کے اوپر فرض نہیں ہے اور وہ بھی حج کر رہا ہے تو اس کو اس کا نفل کا ثواب مل جائے گا. لیکن ایک بات ان کے مسئلے سے الگ میں بتا دوں کہ جو لوگ آج کل بہت سارے لوگ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, خرچے کے لحاظ سے ذرا کم ہوتا ہے اس میں, لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ہمارا شوق ہوتا ہے اللہ کے گھر دیکھنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی دیدار کریں گے, یہ شوق جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حج کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اگر ہمارے عمرے کا یہ نقصان ہوا تو یہ چیز اچھی نہیں ہے. حج جو ہے فرض ہے, جب ہمارے اوپر حج کو جانے کی گنجائش ہو جائے اس وقت حج کو جانا فرض ہے. اگر عمرہ کر لینے کے نتیجے میں ہمارے شوق ٹھنڈا ہو گیا تو یہ چیز اچھی نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. دو کالر روبینہ اور فوزیہ ہمارے ساتھ ہیں. جی روبینہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال نا باتھ روم میں, نا باتھ روم جاتے ہیں وہاں تارس بھی جاتے ہیں تو وضو کر سکتے کیا؟ باتھ روم میں وضو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فوزیہ صاحبہ آپ بھی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے, جی جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی اب 13 سال کی ہے, جی اس کے لیے ہم کچھ مال جمع کر کے رکھی, اس کا زکات دینا ہے کیا؟ اور میرا کچھ پرانا مال تھا وہ میں بیچ کر اس کے پیسے الگ سے رکھی ہوں, 2 لاکھ روپے ہیں, اس کا کتنا زکات ہے؟ بچی کے تعلق سے جو آپ نے کہا, کیا کہا دوبارہ بتائیے. میری بچی کے لیے کچھ مال الگ سے لے کر رکھے ہیں. مال سے مطلب زیور ہے یا ویسے برتن؟ ہاں زیور, اس کے کان کے اور گلے کا زیور ہے. کتنی بڑی بچی ہے؟ 13 سال کی. 13 سال کی ہے. ٹھیک جی مولانا. اس کا ہمیں زکات دینا پڑیں گا. اور میرا مال تھا, میں مال نہیں رکھوں ہوں, بیچ کر پیسے کر کو ابھی 1 سال نہیں ہوا, 2 لاکھ روپے الگ سے رکھی ہوں. جی دیکھیے, 13 سال کی بچی بعض مرتبہ بالغ ہو جاتی ہے. اب یہ آپ معلوم کریں بچے سے, یا آپ جانتی ہوں گی کہ بچی بالغہ ہے یا نہیں ہے. اگر بالغہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی, اور اگر بالغہ نہیں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ آپ کے جو 2 لاکھ روپے ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی, 2 لاکھ روپے آپ نے بیچ کر رکھے. ہاں یہ آپ پہلے سے, وہ کب سے تھا آپ کے پاس زیور, یہ دیکھنا پڑے گا جو آپ نے بیچا ہے. اگر وہ پہلے سے تھا, پہلے سے آپ صاحب نصاب تھیں, تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی. بچی کے لیے جو خریدا اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا, خریدے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے آپ کو, جو بچی کو مالک بنایا. اگر 1 سال ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی, نہیں ہوا تو جب سال ہو جائے گا اس وقت زکوٰۃ ہوگی. مولانا صاحب باتھ روم میں وضو ہو سکتا ہے کیونکہ آج کل جس طرح سے باتھ روم چل رہے ہیں؟ دیکھیے اب آج کل بہت سارے باتھ روم ایسے بن رہے ہیں کہ ذرا سا کشادہ ہے وہ, اور اس کے اندر واش بیسن بھی بنا ہوا ہے اور لیٹرین کی سہولت بھی اسی میں ہے. ایسے میں اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اس میں سے پانی جو نیچے گرے گا, پیروں پہ چھینٹیں آئیں گی. اگر ایسا نہیں ہے, احتیاط ہے, جو لوگ احتیاط سے بناتے ہیں وہ چھوٹی سی باؤنڈری بنا دیتے ہیں جی تاکہ چھینٹے نہ آئیں, اگر پاکی کا اہتمام ہو سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام میں وقت دعا ہے, آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو فیض یاب فرما پروردگار تراویح کو ہمیں پوری طرح پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما پروردگار روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے جو قرضوں کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو حلال و طیب کاروبار نصیب فرما اور پروردگار جن کو تو نے حلال و طیب کاروبار دیا ہے اور وہ اپنی نادانی سے اس کو حرام بنا رہے ہیں اس کے اندر بے ایمانی شامل کر رہے ہیں پروردگار ان کو تقویٰ پرہیزگاری کی اور اپنا خوف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم آمین عالمین جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ان کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا آپ دونوں صاحبان کا تہ دل سے شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام تر ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے جزاک اللہ خیر تو ناظرین ماشاءاللہ میں آج اتنا ہی اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس پروگرام از پریزنٹڈ بائی ہمدرد ریڈ برش اینڈ خالص اسپائسیز